नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाले साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हूँ। ये संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है जो आने वाली बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस के 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ध्वनि की गति होती है तो ध्वनि गति कहाँ होती है। तो आप जानते हैं कि ध्वनि गति होती है हवा में। कहाँ पर होती है? हवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो क्या है प्रोड्यूसर गैस ये आपको बताना है। तो प्रोड्यूसर गैस है CO+N2। कौन सी? CO+N2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो किस धातु को हम नोबेल धातु कहते हैं? तो हम कहते हैं सोना को नोबेल धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो किस फसल की मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मटर की फसल में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किस पदार्थ को मिलाया जाता है रबर को कड़ा करने के लिए? तो ये मिलाया जाता है सल्फर। किसे? सल्फर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो कौन सा लवण समुद्र के पानी में सबसे अधिक होता है ये आपको बताना। तो ये सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में सबसे अधिक होता है, जिसे हम नमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑक्साइड अवस्था में। किस अवस्था में? ऑक्साइड अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो कौन सी विषैली गैस है जीवन के लिए ये आपको बताना है। तो जो CO है यह जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आप जानते कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। कौन सा? NaOHCO3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कार्बन की संयुक्ता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है? तो कार्बन की संयुक्ता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है ये आपको बताना। तो ये होती है 4। कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में ये आपको बताना है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं ये आपको बताना है। तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 अस्थियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक सेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जल। कौन सा? जल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इंसुलिन प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से, किसने? डालिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो किस आविष्कार के लिए हरगोबिंद खुराना को सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मानित किया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो कौन सा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प ये आपको बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफिलोसिया। कौन सा? रेफिलोसिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक कौन सा है ये आपको बताना है। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। कौन सा? प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो रक्तव्यापी रक्तदाता का ग्रुप कैसा होता है, तो ये होता है ओ ग्रुप। कौन सा? ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। कौन सा? सिकुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है ये आपको बताना है। तो एस्पिरिन है एंटीपिरेटिक। क्या? एंटीपिरेटिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाती हैं, तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, कौन से समूह में वर्गीकृत किए जाती है आपको बताना है। तो डॉल्फिन स्तनी समूह में वर्गीकृत किए जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा रोग होता है HIV के द्वारा, तो आप जानते कि HIV से होने वाला रोग है एड्स। एड्स नाम का रोग HIV के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन किसका होता है ये आपको बताना है, यानी कौन से गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं पुरुष के जीन में, तो ये पाए जाते हैं एक्स और वाई। कितने? एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। कब होता है प्रकाश संश्लेषण? केवल दिन में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो किसने समझाया था जीव विकास को सर्वप्रथम, तो ये लैमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो किसने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, तो ये किया था हरिगोविंद खुराना ने। किसने? हरिगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है पेड़ व पौधों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया, तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस पेड़ और पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने लास्ट आज के स्प्रिट सेट का, कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो कौन सा है इनमें प्राकृतिक रेशा, ई आपको बताना है। तो नाइलॉन इनमें प्राकृतिक रेशा है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।